देवरिया जनपद के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा केंद्रों का आज निरीक्षण कर परीक्षा प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा की सोचिता बनाए रखने एवं परीक्षार्थियों की सुविधा के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी निरंजन सर्वप्रथम बेगम लतीफ उल्निशा गर्ल्स इंटर कॉलेज पहुंचे। परीक्षा केंद्र के स्टैटिक मजिस्ट्रेट चंद्रभान सिंह, केंद्र व्यवस्थापक संजय तिवारी एवं बाह्य केंद्र व्यवस्थापक प्रमोद तिवारी ने जिलाधिकारी को बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत विद्यालय में की गई व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। जिलाधिकारी ने डबल लॉकर में रखे प्रश्न पत्र की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने विद्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सभी कक्षों का अवलोकन भी किया। विद्यालय के सभी 26 कक्षाओं में वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि आंतरिक सचल दल निरंतर गश्त करता रहे और जांच के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखे कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा के समय किसी भी दशा में शांति भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। उसके पश्चात जिलाधिकारी एसएसबीएल इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां जिलाधिकारी ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट राज मंगल सिंह को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापक अजय मणि त्रिपाठी एवं बाह्य केंद्र व्यवस्थापक अजित जायसवाल से परीक्षा केंद्र में स्थापित कंट्रोल रूम, आंतरिक सचल दस्ते, विद्यार्थी को पेयजल सुविधा, प्रकाश व्यवस्था एवं शौचालय आदि सुविधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट को परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं को जीसीआई स्थित संकलन केंद्र पर सुरक्षित पहुंचाने का निर्देश दिया। इस दौरान एसडीएम सदर सौरभ सिंह सहित कई जिलाधिकारी मौजूद थे।